अब खबर है वरोरा से, जहां आदिवासी बांधवों ने अपनी मांगों को लेकर एक जन आक्रोश मोर्चा निकाला तथा उप विभागीय अधिकारी को निवेदन सौंपा। ये मोर्चा कौन सी मांगों को लेकर निकाला गया, आइए देखते हैं। गोंडियन आदिवासी आरक्षण बचाव कृति समिति वर्रा की ओर से धनगर, बंजारा तथा अन्य किसी भी समाज के जाति को अनुसूचित जमाति प्रवर्ग में समाविष्ट न करने की मांग को लेकर एक भव्य आक्रोश मोर्चा वर्रा में निकाला गया है, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों का समावेश था। और यह मोर्चा जिसमें पुरुष एवं महिलाओं के साथ युवक युवतियों की बड़ी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही थी, और इस मोर्चे में पुरुष महिलाओं के साथ युवक एवं युवतियों की बड़ी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही थी, और सभी लोग राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। साथ ही विभिन्न प्रकार के फलक वे अपने हाथों में लिए हुए थे। शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ यह मोर्चा उप विभागीय अधिकारी कार्यालय वर्रा में पहुंचा तथा उन्होंने इस मौके पर एक निवेदन भी सौंपा। मोर्चे के दौरान सिटी प्रतिनिधि जावेद शेख भी वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने इस मौके पर उनकी मांगों के संदर्भ में जब जानकारी हासिल करनी चाहिए तो उन्होंने विस्तार पूर्वक क्या कहा, आप स्वयं सुने उन्हीं की जुबानी। काय तुमच्या मागण्या आहे या आदिवासी समाज बांधव? आम्ही गोंडीन आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समिती वर्रा अध्यक्ष विलासनामदेव बरसाके, आम्ही या कृती समितीच्या माध्यमातून आमच्या आमच्यावर लादल्या ज्या असंवैधानिक अधिकारी आमच्यावर लादल्या या सरकारने, त्या आम्ही पूर्ण मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आम्ही तहसील उपविभाग तहसील कार्यालय उपविभागीय कार्यालय वरोरा यांच्यावर आज ह्या चार तारखेला मोर्चा आयोजित केला आहे। या मोर्चामध्ये आमच्या धनगर व बंजारा समाजाला आमच्या खऱ्या आदिवासी समाजामध्ये घुसखोरी करण्याचा जो सरकारचा डाव आहे, आम्ही तो डाव हाणून पाडण्यासाठी या मोर्चाचं आयोजन केलं आहे। आणि या आमच्या खऱ्या आदिवासी समाजामध्ये अन्य धनगर, बंजारा व अन्य कोणत्याही जातीचा समावेश करू नये असं आम्ही या मोर्चाद्वारे या सरकारला अल्टिमेटम देत आहोत। तसेच आमच्या या वर्रा तालुक्यामध्ये जे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, ते स्थानिक स्वरूपात इथे उभारण्यात यावं। आणि तसंच आमच्या पोंभुर्णा तालुक्यामध्ये आमच्या आदिवासीचा एक नेता, तो ज्या सरकारनं त्यांच्यावर बिना आरोपानं त्यांच्यावर 307 अशा काही कलमा लावल्या, त्या त्वरित त्या सरकारने मागं घ्याव्या। आणि या माध्यमातून या जो सरकारने धनगर समाजाचा अभ्यासगट समिती स्थापन केली आहे, ती अभ्यासगट समितीसुद्धा या सरकारने त्वरित बरखास्त करण्यात यावी। आणि सरकार जर ह्या आमच्या मागण्या पूर्ण करणार नाही तर आम्ही या आंदोलना बेमुदत आम्ही उपोषणाचा या मोर्चाच्या माध्यमातून बेमुदत उपोषणाने बसू असा इशारा आम्ही या ठिकाणी देत। सी टी व्ही के लिए जावेद शेख की रिपोर्ट।